हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन में क्या हुआ था। इम्प्लांटेशन में जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर अंदर धंस चुकी थी, एंडोमेट्रियम में, ठीक है, यानी वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो चुका था। अब इसके बाद क्या होगा जब इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर ये क्या है, यूटेरस, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट में यहाँ पर दो टाइप की सेल्स होती हैं, है ना। अब देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा अंदर की तरफ धस जाती है, जो कि कहाँ किस में हुआ था, इम्प्लांटेशन में। इसके बाद क्या होगा, अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट कौन सी लेयर बताई थी आपको, सबसे बाहर की लेयर, है ना। यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट में जो बाहर वाली लेयर है वो क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, एंडोमेट्रियम, ये क्या है यहाँ पर, एंडोमेट्रियम। और अब जो ट्रोफोब्लास्ट है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाना स्टार्ट कर देगी इस तरह से, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किस में बन जाएंगे, ट्रोफोब्लास्ट से। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है, कोरियोनिक विलाई। और इस तरह से अब ये जो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू है, ये टिश्यू अब किसको कवर करता है आगे, ये जो कोरियोनिक विलाई है उसको भी कवर करने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो एम्ब्रियो का जो टिश्यू है और जो मदर का जो टिश्यू है, दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा, और इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। मदर एंड जो एम्ब्रियो है यानी बेबी, उसके बीच में जो कनेक्शन बनेगा यहाँ पर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा, ठीक है। अब देखो ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या करती है, यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम से यहाँ पर पास में क्या होती है, इस तरह से ये ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना, ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर पास में निकलती रहती है इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से ये जो कोरियोनिक विलाई है इसमें भी क्या होती है, ब्लड वेसल्स। और यहाँ पर क्या होगा, बीच में गैप रहता है ना, जो मदर मदर टिश्यू और जो एम्ब्रियो का टिश्यू है उसके बीच में गैप रहता है। और क्या होगा, जो मदर का ब्लड है वो ब्लड किसको लेकर आएगा, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। क्या आते हैं मदर के ब्लड में, न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स और जो ऑक्सीजन है वो इस बीच वाले रीजन में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, कहाँ से डिफ्यूज़ होंगे, मदर के ब्लड वेसल्स से, ठीक है। यहाँ पर अब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन आ चुके हैं, और अब ये किस में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, एम्ब्रियो के ब्लड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से एम्ब्रियो के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में इन न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का यूज़ होगा, और उससे क्या बनते हैं बाद में, वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है, क्या बनते हैं, वेस्ट मटेरियल्स। और ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं अब इनको बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के लिए अभी किस में चले जाएंगे, सेल्स से निकल कर किस में जाएंगे, एम्ब्रियो की ब्लड वेसल्स में, ठीक है। और ये यहाँ पर आ जाएंगे, अब ब्लड वेसल्स से ये किस में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, इस बीच वाले पोर्शन में, ठीक है, यहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाएंगे। और यहाँ से अब ये किस में चले जाएंगे, मदर के ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो मदर है, मदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है, या एम्ब्रियो से जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, यहाँ पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। अब जो प्लेसेंटा है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करती है,
है ना, प्लेसेंटा किसकी तरह काम करती है, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह है। तो इसके द्वारा कुछ हॉर्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर है पहला हॉर्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, कौन सा हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसको हम शॉर्ट में एचसीजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला हार्मोन हो गया। और इसके बाद में जो दूसरा हार्मोन है वो कौन सा है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, दूसरा हार्मोन कौन सा है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HPL। ठीक है, इसके बाद तीसरा हार्मोन कौन कौन सा है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन भी सिक्रेट किया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा। अगला हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टिरोन। ठीक है, और ये कुछ हॉर्मोन्स हैं जो किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा। और ये जो सभी हॉर्मोन्स हैं ये किसको लीड करते हैं आगे, प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए ये जो हॉर्मोन्स हैं ये प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में जब प्रेगनेंसी आगे रन करती है तो जो प्लेसेंटा है उसके द्वारा एक हॉर्मोन्स और सीक्रेट किया जाता है, कौन सा हॉर्मोन है, रिलैक्सिन हॉर्मोन। ठीक है, और ये जो रिलैक्सिन हॉर्मोन है ये बाद में क्या करता है, इसके द्वारा जो पेल्विक रीजन में जो भी लिगामेंट्स हैं उनको लूज किया जाता है। ठीक है, ताकि जो एम्ब्रियो का, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसकी साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, तो वहाँ पर प्रॉपरली स्पेस मिल सके उसको ग्रो करने के लिए। ठीक है, कोई बाकी की जो ऑर्गन्स हैं उन पर प्रेशर नहीं पड़े, इसलिए वजह से जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो पेल्विक रीजन में लिगामेंट्स को लूज कर देता है, ढीला कर देता है। इसके अलावा जो सर्विक्स है उस सर्विक्स को भी सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, जिससे कि वो लूज होकर आगे की तरफ बढ़ सके और एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर स्पेस मिल सके। ठीक है, तो ये हॉर्मोन्स प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर जब प्रेगनेंसी होगी ठीक है, प्रेगनेंसी में जो मदर का ब्लड है, मदर ब्लड में कुछ हॉर्मोन्स का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, पहले की अगर हम तुलना की बात करें नॉर्मल कंडीशन में और प्रेगनेंसी में, तो यहाँ पर कुछ हॉर्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कौन कौन से हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ता है, जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, किसका लेवल बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन, और इसके अलावा प्रोजिस्टिरोन। ठीक है, और इसके अलावा कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, है ना, और इसके अलावा थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा प्रोलेक्टिन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिरोन, कोर्टिसोल, थायरोक्सिन, प्रोलेक्टिन, ये सभी हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाता है पहले की तुलना में जब नॉर्मल कंडीशन थी। ठीक है, और ये जो हॉर्मोन्स हैं ये आगे क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, सबसे पहला है कि ये जो हॉर्मोन्स हैं ये किसको सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, ये फीटल ग्रोथ को। ठीक है, किसको सपोर्ट करेंगे, ये फीटल ग्रोथ यानी जो एम्ब्रियो है उसकी जो ग्रोथ है उसको कौन इंक्रीज करते हैं, ये हॉर्मोन्स। ठीक है, और इसके बाद में अगला है यहाँ पर जो मदर का मेटाबॉलिज्म है उसमें चेंजेस आते हैं, तो वो जो चेंजेस आते हैं यानी भूख का ज़्यादा लगना वो भी किसकी वजह से होते हैं, इन हॉर्मोन्स की वजह से। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा फंक्शन क्या है कि ये जो हॉर्मोन्स हैं ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन रखते हैं। ठीक है, ये प्रेगनेंसी बनी रहे, जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट चलता रहे। ठीक है,
तो जो मिसकरेज की कंडीशंस हैं वो इन हॉर्मोन्स के द्वारा बिल्कुल ही कम कर दी जाती है, यानी मिसकरेज होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे, और जो फीटल का डेवलपमेंट है, फीटस का जो डेवलपमेंट है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो अगला फंक्शन क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जाता है, तो ये फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो चुका है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट में देखो ट्रोफोब्लास्ट ने तो प्लेसेंटा बना ली, और इसके अंदर यहाँ पर ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, यहाँ पर कौन सी सेल्स होती हैं, इनर सेल मास, इनर सेल मास। ठीक है, यहाँ पर ये जो इनर सेल मास है इसके अंदर सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स हैं ये कौन सी सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स। ठीक है, तो ये जो स्टेम सेल्स हैं इनमें इतनी पोटेंसी होती है कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, है ना, जितनी भी सेल्स हैं वो सभी सेल्स इन स्टेम सेल्स के द्वारा बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या होगा, यहाँ पर जो स्टेम सेल्स हैं, है ना, ये जो स्टेम सेल्स हैं वो क्या करती हैं, अब एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उसका जो फॉर्मेशन है उसमें जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेम सेल्स हैं वो तीन लेयर्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, पहली जो लेयर है वो कौन सी है, एक्टोडर्म, है ना, पहली जो लेयर है वो कौन सी बनती है, एक्टोडर्म। फिर दूसरी जो लेयर बनेगी वो कौन सी बनेगी, एंडोडर्म। ठीक है, और इसके बाद में देखो यहाँ पर ये डायग्राम से समझते हैं, ये क्या बन चुकी है, एक्टोडर्म। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये क्या बन चुकी है, एंडोडर्म। तो ये दो लेयर्स बन चुकी हैं, और बाद में जो तीसरी लेयर बनती है वो कौन सी बनती है, मीजोडर्म। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर है, एक्टोडर्म, और सबसे नीचे की जो लेयर है वो कौन सी है, एंडोडर्म। ठीक है, तो बाद में क्या होगा, एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में एक नई लेयर और बनती है, ये जो लेयर है वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर मीजोडर्म। ठीक है, तो बाद में एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में कौन सी लेयर बन जाएगी, मीजोडर्म। ठीक है, और अब ये जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और जो एंडोडर्म है, ये अब बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है। जैसे यहाँ पर जो एक्टोडर्म है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, स्किन का। ठीक है, और इसके अलावा जो एंडोडर्म है वो किसका फॉर्मेशन करती है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करेगी, और इस तरह से जो मीजोडर्म है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, जैसे हार्ट का। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स भी बनाए जाते हैं इनके द्वारा। ठीक है, तो ये जो अलग अलग लेयर्स हैं वो पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी का फंक्शन, सभी का फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, तो ये होता है अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके बाद आगे देखो, जब प्रेगनेंसी चलती है ना, प्रेगनेंसी अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो जनरली कितना होता है, 9 मंथ। ठीक है, 9 महीने तक जो प्रेगनेंसी है वो रन करती है। तो अब देखो यहाँ पर अलग अलग मंथ में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मंथ की बात करते हैं। फर्स्ट मंथ में क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले जो एम्ब्रियो है उसमें किसका डेवलपमेंट होगा, हार्ट का। और ये जो हार्ट बनेगा यहाँ पर पहले महीने में, इसको हम स्टेथोस्कोप की सहायता से इसकी जो बीटिंग है उसको आसानी से हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेबी के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, हार्ट का। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में क्या होता है, उसका खुद का ब्लड सर्कुलेट होता है, यानी जो मदर का ब्लड है वो मदर का ब्लड एम्ब्रियो के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो अपना ब्लड खुद बनाता है, तो उस ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, उसको पंप करने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो सेकेंड मंथ है, सेकेंड मंथ के एंड तक किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर जो लिम्स, लिम्स का मतलब जैसे जो हाथ पैर होते हैं उनको हम लिम्स बोलते हैं। ठीक है, फोर लिम्स और हिंड लिम्स आते हैं, है ना,
तो लिम्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा डिजिट्स का फॉर्मेशन, डिजिट्स क्या है यहाँ पर, फिंगर्स यानी जो अंगुलियाँ हैं, ठीक है। लिम्स और जो डिजिट्स हैं वो अपियर होने लग जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ग्रोथ करने लगते हैं, पूरी ग्रोथ अभी तक नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब जो थर्ड मंथ है, शुरुआत के 3 महीने हैं उनको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पर यानी तीसरे महीने के एंड पर किस किस का फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉडी के जो जितने मेजर ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी, हार्ट, ये सभी ऑर्गन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बन जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे लिम्स का फॉर्मेशन लगभग पूरा हो जाता है ना। और इसके अलावा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें बात करी थी, ठीक है। जैसे फीमेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसका फॉर्मेशन होगा, और जो मेल है उसके अंदर भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे पता लगता है कि भाई जो एम्ब्रियो है वो मेल है या फीमेल है। पर यहाँ पर जो पता करते हैं मेल और फीमेल का, वो कानूनी अपराध है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, ये जो लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ये अच्छी तरह से डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जो मंथ है वो कौन सा मंथ होगा, फिफ्थ मंथ, ठीक है। फिफ्थ मंथ में क्या होगा, यहाँ पर बेबी के अंदर हम फर्स्ट मूवमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। पहला जो मूवमेंट होगा वो कौन से महीने में होगा, फिफ्थ मंथ में। और इसके अलावा यहाँ पर जो हेड है उस हेड में हेयर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर्स की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसके एंड में यानी सिक्स्थ मंथ के एंड में किस किस का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो पूरी बॉडी पर हेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो आइज बनी है ना, आइज का फॉर्मेशन पहले ही स्टार्ट हो चुका है, यानी जो सिक्स्थ मंथ है उससे पहले ही बनना स्टार्ट हो जाती है। तो शुरुआत में जब बनती हैं यानी जो सिक्स्थ महीना है उससे पहले जो आइज हैं उसमें बाहर की तरफ स्किन होती है, ठीक है। तो अब वो जो स्किन है वो बीच में से उसमें कट लगता है और फिर आगे किसका फॉर्मेशन होगा, आईलिड्स का, ठीक है। तो इसमें जैसे अपर आईलिड्स और जो लोअर आईलिड्स हैं उस तरह से आईलिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और किसका फॉर्मेशन होगा, आईलेसेस का भी फॉर्मेशन होता है, आईलेसेस जो आईलिड्स पर जो बाल होते हैं, ठीक है, उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कब होता है ये, हेयर्स, आईलिड्स और आईलिसेस, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में, ठीक है। इसके बाद जो 9th मंथ है, 9वां महीना, उसके एंड में जो फीटस है वो फुली डेवलप कर जाएगा, है ना। उसके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे अच्छी तरह से डेवलप कर जाएंगे। और अब जैसे ही 9वां महीना कंप्लीट होता है, कभी कभी जो 9th मंथ है थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर जाता है, यानी 9th मंथ के बाद 15 डेज एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि 9 महीने 15 दिन या 20 दिन के बाद में अब क्या होगा, डिलीवरी होती है ना। क्या होगा, डिलीवरी यानी जो बच्चा है अब वो माँ की बॉडी से बाहर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना प्रेगनेंसी और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है, किस तरह से जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है। और इसके अलावा मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि अब क्या होगा, डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में बच्चे का जन्म होगा तो उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के लिए क्या होना है कि वहाँ पर जो मदर है उसमें मेमरी ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस करने लग जाएगी, मिल्क, और वो जो मिल्क है वो बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को आगे शेयर भी कीजिए जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू।